अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ तब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो वैकेंसी लेके आया हूँ ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप लोग ड्राइवर हैं, छोटी गाड़ी चला लेते हैं जैसा डायना है, तो इसके लिए बहुत अच्छी कंपनी का जॉब लेके आया हूँ। तो ये जॉब आप लोग के लिए है। फ्रेशर बंदे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर बोले तो अपनी गाड़ी चलाना आता हो उसको, और बाहर कंट्री में अभी पहले टाइम जा रहा हो। जैसा बहुत से बोलते हैं कि फ्रेशर क्या होता है भाई और रिटर्नर में क्या फ़र्क है, तो हम ये बताते चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे आदमी ये कमेंट करेंगे कि अब फ्रेशर और रिटर्नर के बारे में किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो बंदे हमसे पूछते हैं कि फ्रेशर और रिटर्नर में क्या फ़र्क है। तो देखो, ड्राइवर बंदा होना चाहिए जैसे आप इंडिया में 10 साल से 20 साल से गाड़ी चलाते हैं लेकिन बाहर कभी नहीं गए हैं, तो उसको फ्रेशर बोलते हैं। और जो बंदा रिटर्न आया है इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री में जॉब करके, तो उसको रिटर्नर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये लॉजिस्टिक कंपनी है, कोरियर की कंपनी है। ठीक है, A1 नाम है, A1 लॉजिस्टिक कंपनी। तो इसके अंदर 100 बंदों को रिक्वायरमेंट है जो छोटी गाड़ी चला सकता हो। अब मैं आपको एक बताते चलता हूँ कि जैसा आप DTDC है इंडिया के अंदर, और DHL है, ट्रिकॉन है, इस टाइप का जो कोरियर होता है, कोरियर की सर्विस होती है, इसमें मतलब छोटी छोटी गाड़ियाँ चलाना होता है, एक डायना टाइप का। ठीक है, जैसा आप मान के चलिए जैसा मिनी बस नहीं आता है, स्कूल के बच्चे बच्चे भी चलते हैं, इस टाइप की गाड़ियाँ होती है जो कोरियर की सर्विस देती है। तो ये गाड़ी आपको चलाना आना चाहिए। अगर 4-व्हीलर कार आप चला सकते हो तो उसको भी चला सकते हो। तो इस गाड़ी, ये गाड़ी चलाना है, इसमें कोरियर का कंपनी है, लॉजिस्टिक को जो सर सामान होता है वो एड्रेस पर डिलीवरी करना होता है, यानी डिलीवरी ड्राइवर को एक हिसाब से कह सकते हैं कि डिलीवरी ड्राइवर का जॉब है। डिलीवरी ड्राइवर में अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम जाना चाह रहे हैं, तो अगर हाउस ड्राइवर में देख रहे हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप बेनिफिट ट्रिप मिलता है, ओवर टाइम होता है, तो सैलरी अच्छा खासा आप इसमें उठा सकते हैं। एक महीने का 40,000 तक, 35-40,000, 50,000 तक आप महीना कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें ACR ACNR कोई भी हो, और जो उम्र है आपका पासपोर्ट के हिसाब से वो 22 कंप्लीट हो गया हो, और 38 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टाइप का जॉब सर्च कर रहे हो तो ये जॉब आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। बस आपको समझना ज़रूरी है कि कंपनी में किस तरीका से इसको अप्लाई किया जाएगा, और सैलरी बेसिक क्या होगा, ड्यूटी क्या रहेगा, कंपनी क्या क्या फैसिलिटी देगी, और कितने दिन में काम होगा, वीजा सारा वकाला बना हुआ है। आपको कोई भी इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हम जिस तरीका से बताऊंगा उस हिसाब से पूरा वीडियो देखना है, समझ लेना है, फिर उसी हिसाब से यहाँ जो नंबर दूंगा उसी नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। फिर फ़ोन नहीं करना है कि काम है कि नहीं है, सारी चीज़ मैंने यहाँ पर बता दूंगा। आपको जाना होगा तो आप डॉक्यूमेंट उसी तरीका से आप रेडी करना है, और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना है, पता नहीं कि मैंने ये वाला लॉजिस्टिक कंपनी में मैं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा यूट्यूब ग्रुप, अपना व्हाट्सअप ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। वीडियो खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी का नाम है A1 लॉजिस्टिक। ठीक है, इसके अंदर 100 बंदा का रिक्वायरमेंट है, डायना ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर। ठीक है, इसके अंदर जो बेसिक सैलरी कंपनी ने लगाया है वो 1200 रियाल लगाया है, ड्यूटी 8 घंटे का है, प्लस ट्रिप है। ठीक है, आप एक डिलीवरी करते हो उसके ऊपर अलग से कमीशन मिलेगा। अब आदमी जो है सोचते हैं कि कितना कमीशन मिलेगा, तो आप किलोमीटर के हिसाब से है। जैसे आप 5 किलोमीटर पर डिलीवरी करके आते हो तो आपको 5 रियाल 10 रियाल मिल सकता है। आप जितना दूरी पर जाओगे, हम डेली कितना आप डिलीवरी करते हो, यानी कोई मतलब ये नहीं है कि आपको दिन भर में 10 डिलीवरी करना ही करना है। ठीक है, काम रहेगा तो आप करना है, नहीं काम है तो आपका सैलरी जो बेसिक है आपको मिलना है, बाकी का आप जो भी डिलीवरी करोगे उसको अलग से कमीशन आएगा। तो आप इसमें आप ये मान के चलिए कि आराम से, यानी कोई टारगेट नहीं। कुछ कंपनी का होता है ना कि दिन भर में 12 डिलीवरी करना है, तो भाई 12 डिलीवरी करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमारा टारगेट तो पूरा होगा नहीं, तो हम ऊपर से कमा नहीं सकते। तो इसके अंदर कोई टारगेट नहीं है, यानी ड्यूटी 8 घंटा है, 8 घंटे में अगर कोई भी डिलीवरी का काम रहेगा वो आपको ऑर्डर पर जाके देना रहेगा, नहीं अगर काम है तो 8 घंटे का ड्यूटी के बाद में आप अपना ड्यूटी खत्म हो जाएगा, लेकिन बेसिक जो सैलरी आपका 1200 आपको फिक्स मिलना है, प्लस आप जो भी डिलीवरी करेंगे उसके हिसाब से आपका कमीशन अलग आएगा। तो सब मिला के अगर इसमें अच्छे से काम करते हो तो 1600-1700-1800-2000-2200 तक आदमी उठा सकता है। संडे दिन छुट्टी, सब दिन छुट्टी पे जाओगे तो पूरा वो ओवर टाइम आएगा, और आपको कंपनी रहने के लिए रूम, मेडिकल, इंश्योरेंस, गाड़ी, मोबाइल, सिम कार्ड, लाइसेंस वहाँ का, ये सारा चीज़ फ्री रहेगा, सब कंपनी देगी। 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल एग्रीमेंट पूरा करके आने के बाद आपको आने जाने का, दोनों साइड का टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और इसके अंदर बंदा इस टाइप का हो, जिसको अगर हम लोकेशन पे गाड़ी चलाना आता हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश मालूम हो, कि जैसा अगर कोई सर सामान का बिल देता है आपको, गाड़ी में सामान ले जाकर डिलीवरी करना है तो एड्रेस पढ़ लो, ये सारा चीज़ इतना पढ़ना लिखना मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, आपका पहले अपना पासपोर्ट लेना है और ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, पासपोर्ट साइज का फोटो लेके कोई कंप्यूटर की दुकान पर जाना है,
मार्केट में, जैसे आपके यहाँ पे चौराहा बाजार होता है वहाँ जाओ और वहाँ पे देखो जहाँ फोटो कापी भी करते हैं उस मशीन पे, वहाँ पे जाओ दुकान पे, उसको बोलो हमारा पासपोर्ट आगे पीछे और लाइसेंस और फोटो स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्म बना के अपने फ़ोन के अंदर डलवा लो, ठीक है। और वहीं से एक रिज्यूम बनवा लो, जो सीवी बाय डाटा जो बोलते हैं, आप उनको बोलोगे तो वो समझ जाएंगे वो लोग, ठीक है। आपको डिलीवरी ड्राइवर का आप एक सीवी बनवाओ, 3-4 साल का एक्सपीरियंस डालिए, कोई एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत नहीं है, बस सीवी के अंदर मेंशन करना है। उसके बाद वो सीवी, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट ये, और एक गाड़ी चलाते हुए वीडियो आप कोशिश करिए कि डाइनर ड्राइवर का ही वीडियो बनाइए, ठीक है। बहुत से होता है कि हमारे पास 4-व्हीलर है, डाइनर ड्राइवर नहीं है, मिनी बस नहीं है, तो आप कहीं किसी के जानने वाले के पास चले जाइए, स्कूल का जो बस टाइप का जो होता है छोटा सा, वो उसका वीडियो चाहिए, वो आप चलाते हुए, अगर वो नहीं मिलता तो कार का भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वीडियो किस तरीके से बनाना है ये जानना जरूरी है। आप गाड़ी लेके कहीं भी जहां आप ड्राइव करेंगे चलाएंगे, वहां पे आप गाड़ी के उतरिए, गाड़ी खड़ा करिए और गाड़ी के आगे खड़े होइए गेट के पास में, और जो वीडियो बनाएगा उसको सारा चीज़ पहले बता दीजिए, वो कैमरा स्टार्ट करे थोड़ा दूर जाके, और उसके अंदर पूरी गाड़ी आना चाहिए और आपका पूरा बॉडी आना चाहिए कि कौन सी गाड़ी आप जा रहे चलाने, फिर वो कैमरा बनाते हुए आपके पास में करीब में आए, फिर आप अपना नाम बताओ, मेरा नाम ये है और मैं इतने दिन से गाड़ी चलाता हूँ और मुझे लोकेशन पे गाड़ी चलाना आता है और मैं सऊदी अरब के अंदर कोरियर की कंपनी में डिलीवरी बॉय के जो जॉब में जा रहा हूँ, मेरी सैलरी 1200 है, 8 घंटे की ड्यूटी है, मैं इस काम में जाने के लिए एग्री हूँ, इतना बोलिए। उसके बाद गेट खोलिए, सीट पर जाइए बैठिए, सीट बेल्ट लगाइए, न्यूट्रल चेक करिए, गाड़ी स्टार्ट करिए, मिरर आपका जो शीशा होता है वो साइड चेक करिए, गाड़ी स्टार्ट करके आप कुछ दूर जाओ, फिर बैक आके गाड़ी को पार्क करो इस, और फिर उसके बाद गेट खोल के उतरो। तो यानी आप गाड़ी में एंट्री करते हैं और फिर गाड़ी से बाहर आते हैं, ये सारा चीज़ वीडियो के अंदर आपका आना चाहिए चेहरा, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से वीडियो बना के यहाँ पे देके व्हाट्सएप पर भेजो, आपका डॉक्यूमेंट आएगा, सारा चीज़ ओके है तो आपको डायरेक्टली सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा, अगर आप इसमें जाते हैं तो आपका ये सर्विस चार्ज लगेगा, कोई पेमेंट आपको एडवांस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्री होते हैं जाने के लिए तो आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा, वीज़ा रेडी है, आपको वीज़ा नंबर मिल जाएगा, आप ऑनलाइन गमका निकालिए, मेडिकल कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिट होने के बाद में आपको एड्रेस मिल जाएगा, आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट आप बाय कोरियर भी भेज सकते हैं, तो आप ऑफिस विजिट करके यहाँ भी जमा कर सकते हैं, वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद आपको कॉपी मिल जाएगा, पेमेंट करना, टिकट हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस है। तो अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा, चाना से दिए गए नंबर पर आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड करके अपने जॉब को प्रोसेस कर लीजिए, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नहीं गवाह।